गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज आप सुनहरी बोली का पाठ तीसरा शिमले की सैर पढ़ांगे, ठीक है। जिस दे विच की लेखक ने अपने शिमले की सैर के बारे दस्या है कि किवें वह छोटा हुंदा शिमले गया तो उसने अपनी फैमिली नू मनाया, ठीक है। क्योंकि तुसी बहुत सारे बच्चों ने शिमले की सैर की होएगी, क्योंकि बच्चे ने जिहड़े वह छुट्टियां दे विच किते ना किते जाना चाहते ने, सैर करना चाहते ने, ठीक है। तो सैर करन दे की बेनीफिट्स हुंदे ने, उन्हां दा मनोरंजन भी हुंदा ते उन्हां दे ज्ञान दे विच भी वाधा हुंदा। आओ आपां अगे चैप्टर नूं रीड करांगे। गर्मी दीआं छुट्टियां 1 जून तों हो रही सन। पहली मीनस एक, असीं पापा नूं पहलां ही मना लिया सी कि इस बार छुट्टियां शिमले कट्टणियां हन। 2 जून नूं साडा छोटा जिहा परिवार शिमले वास्ते चल पिया। असीं बस राहीं चंडीगढ़ पहुँचे। इस लेख दे विच लेखक ने अपने शिमले जाण दी गल कीती है। असी बस राही चंडीगढ़ पहुँचे। भावें बस राही भी शिमले जाया जा सकता सी, परंतु असी रेलगड्डी राही जाण दा फैसला किया। असी चंडीगढ़ तों कालका पहुँचे। चंडीगढ़ है बेटा जिहड़ा, ये कालका ये भी एक शहरां दे नाम ने, ठीक है। चंडीगढ़ तों कित्थे पहुँचे सी? कालका। कालका तों शिमले वास्ते रेलगड्डी सवेरे 4 बजे चलती सी। मैनू मेरे दोस्त हैरी ने दस्या सी कि कालका तो शिमले नू छोटी लाइन वाली गड्डी जांदी है। इस गड्डी दे डब्बे छोटे छोटे हुंदे हन। यह सप वांग बलखांदी पहाड़ां विच्चों लंघदी है। बलखांदी मीनस जिस तरह सप मेलदा हिलदा जुलदा, उस तरह ही पहाड़ां दे विच जिहड़े रस्ते बने हुए ने ते गड्डी पहाड़ां दे विच्चों लंघदी सी। सारी रात मेरियां अखां सामने यही नज़ारा घूमदा रहा। नज़ारा मीनस हुंदा बेटा दृश्य। सवेर दे 4 बजे गड्डी शिमले नू चल पई। जिस तरह हैरी ने दस्या सी कि उस तरह गड्डी सप वांग मेलदी शिमले वल नू वधन लगी, मेलदी हिलदी। रस्ते विच कई सुरंगां आईयां। पता तुहानू सुरंगां दा मीनिंग की हुंदा? सुरंगां दा अर्थ हुंदा बेटा जिस जिहड़ी जित्थों दी गड्डी लंघदी है ना, उत्थे बहुत सारा रस्ता इस तरह का बनया हुंदा, बिल्कुल बंद, बिल्कुल भीड़ा जिहा रस्ता हुंदा, ठीक है। जिथे हनेरा हुंदा उस नू सुरंग आख्या जांदा। ते जदों गड्डी इन्हां सुरंगां विच्चों लंघदी तां इकदम हनेरा छा जांदा। मन कुछ डरदा परंतु ज़्यादा खुश हुंदा। लेखक इत्थे अपने फीलिंग्स आ जिहड़े उह दस रहा, क्योंकि वह सुरंग दे विच्चों जदों उन्हां दी गड्डी लंघदी उह कुछ डर भी जांदा ते कुछ खुश भी हुंदे। असीं लगभग दोपहर दे 1 बजे शिमला पहुँचे। लगभग मीनस दोपहर दे करीब। सब तो पहलां होटल विच कमरा लिया। कमरे विच समान रख के थोड़ा आराम किया। इशनान करके असीं शिमले दा बाज़ार वेखण चले गए। इशनान मीनस नहा धो के, ठीक है, नहा के। शिमले दा बाज़ार बड़ा सुंदर सी। असी रिज ते जाके बैठ गए। रिज हुंदी है बेटा चोटी, ठीक है, क्योंकि शिमला जिहड़ा पहाड़ी इलाका है, इत्थे बहुत सारियां छोटियां छोटियां पहाड़ियां बनियां हुंदियां, ते उह कित्थे जाके बैठ गए सी? पहाड़ी ते, ठीक है। असी रिज ते जाके बैठ गए। थोड़ी ही देर विच उत्थे काफ़ी भीड़ हो गई। लोग इधर उधर घूमन लगे। पहलां तां काफ़ी गर्मी सी, परंतु जदों बदलां ने इकदम सूरज नूं ढक लिया तां मौसम सुहावना हो गया। इकदम सूरज नूं ढक लिया मीनस बदल सी जिहड़े इकदम छा गए। पहला धुप्प सी ते बाद दे विच की हो गया? बदलवाई हो गई, ठीक है। तो मौसम सुहावना, सुहावना मीनस चेंज हो गया, सोहना हो गया। ठंडी ठंडी फुहार पैन लगी। फुहार मीन हुंदा बेटा मीह दीआं कणियां, ठीक है। जदों हल्कियां हल्कियां कणियां पैन लग जाण तां उहनां नूं फुहार आख्या जांदा। इस ठंडी ठंडी फुहार विच घूमन दा अपना ही आनंद सी। आनंद मीनस हुंदा मज़ा, ठीक है। असीं काफ़ी रात तक रिज उत्ते बैठे रहे। रिज उत्ते इत्थे की आएगा बेटा? उत्ते। दूसरे दिन साडा जाखू मंदिर देखण जाण दा प्रोग्राम सी। प्रोग्राम मीनस हुंदा प्लान, ठीक है, क्योंकि लेखक ने नेस्टडे कित्थे जाण दा प्रोग्राम बनाया सी? जाखू मंदिर। असीं 10 बजे तैयार हो के होटल तों बाहर निकल आए। असीं वेख्या जाखू मंदिर एक उच्ची पहाड़ी ते स्थित है, ठीक है। जाखू मंदिर कित्थे स्थित सी? उच्ची पहाड़ी ते। असीं हौसला नहीं हारिया ते मंदिर तक पहुँच गए। हौसला मीनस हुंदा बेटा हिम्मत, ठीक है। मंदिर वेख के मन गदगद हो उठा। गदगद मीनस खुश, ठीक है, क्योंकि जदों ही उन्होंने लेखक दे उसे परिवार ने मंदिर नू वेख्या तो उन्हों का मन की सी? मंदिर नू देख के खुश हो उठा। जाखू मंदिर तो असी फिर रिज ते पहुँच गए, ठीक है। जाखू मंदिर देखने तो बाद लेखक ते उसका परिवार दोबारा फिर कित्थे आ गया? उस पहाड़ी ते। मम्मी पापा ने लक्कड़ बाज़ार जाके कुछ चीज़ा खरीदियाँ। मैं ते मेरी भैन नीटी रिज ते खेडते रहे। सानू बहुत मज़ा आया। अगले दिन सवेरे सवेरे असी कुफरी वेखण लई चल पे। कुफरी है जिहड़ा वह शिमले दे विच इक देखण योग स्थान है, ठीक है। तो वह अगले दिन कित्थे चले गए? कुफरी देखण। कुफरी स्केटिंग वास्ते काफ़ी मशहूर सी, ठीक है। कुफरी पहुँच के सानू लग्या कि पहाड़ असमान नू छू रहे हैं। असमान नू छू रहे ने मीनस जिहड़े उत्थे
ਪਹਾੜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਛੂ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਛੂਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋੜੇ ਹੋਣ। ਰੂੰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਟਨ, ਅਤੇ ਗੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੰਬੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਟਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਸ ਨੇਮ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ। ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦਸਤਖਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਦਸਤਖਤ, ਸਾਈਨ। ਅਤੇ ਨੀਟੀ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੇ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ? ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਬੋਲਬਾਲਾ ਮੀਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੀ ਸੀ? ਠੰਡਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਰ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਸੈਰ ਵੱਸ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।